दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म मेकिंग करियर के बारे में। बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिल्म मेकिंग पर एक वीडियो बनाएं, तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं कि फिल्म मेकिंग में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि फिल्म मेकिंग का मतलब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस बनना होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में आपके लिए हो सकते हैं और इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं जिसको करके आप स्किल्स को अक्वायर कर सकते हैं और आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म मेकिंग करियर के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है फिल्म मेकिंग का मतलब तो सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस बनना है, बट मैं आपको बता दूं अगर एक फिल्म बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, तब जाके एक फिल्म तैयार होती है। जैसे कि डायरेक्टर हो गया, कैमरामैन हो गया, सिनेमेटोग्राफर हो गया, एडिटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया और भी बहुत सारे टेक्नीशियंस वगैरह का हाथ रहता है जब जाके एक मूवी जो है बनती है। तो ऐसे में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर आप एक्टिंग नहीं करना चाहते तो भी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और अगर आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है तो आप एक्टर और एक्ट्रेस भी बन सकते हैं। तो अगर बात करें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तो मैं आपको बता दूं इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिल्म्स का पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा फिल्में पूरी दुनिया में इंडिया में ही बनती है। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो बॉलीवुड की जो अकेली वैल्यूएशन है वो है $2.28 trillion। और अगर बात करें एनुअल ग्रोथ की तो ये इंडस्ट्री जो है 11% ग्रोथ से हर साल आगे बढ़ रही है। ये जो डेटा है वो है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में बहुत ग्रोथ है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, डायरेक्शन लाइन में आना चाहते हैं, एडिटिंग लाइन में आना चाहते हैं, एनिमेशन लाइन में आना चाहते हैं, लाइट एंड साउंड लाइन में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लो, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है आप अपने फर्दर जो स्टेप है डिसाइड करोगे। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एक्टिंग वगैरह के लिए या फिर प्रोडक्शन लाइन के लिए, टेक्निकल लाइन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, राइट। तो अगर हम बात करें स्कोप की तो जैसे कि मैंने बताया ये इंडस्ट्री $2.28 billion की है, सिर्फ बॉलीवुड की बात करो। ऐसे में साउथ की इंडस्ट्री अलग है, पंजाबी मूवीज जो आती है उनकी इंडस्ट्री अलग है, तो ये सारी ग्रोइंग फील्ड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टीवी सीरियल्स जो आते हैं, सिटकॉम्स वगैरह आते हैं, उनमें भी आपके लिए एक अच्छी डिमांड रह सकती है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो टीवी इंडस्ट्री है, जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। लेट्स से अगर आपने एक्टिंग सीख ली तो आप जो है फिल्मों में तो ट्राई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप टीवी में भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी रहती है कि आपने 10+2 पास किया हो तो आप जो कोर्सेज वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास आउट करें आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की तो मैं आपको बता दूँ एक्टिंग, वीडियो प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, इसके अलावा ड्रामेटिक आर्ट, फिल्म डायरेक्शन, इन सारी फील्ड्स में सर्टिफिकेट्स भी होते हैं और डिप्लोमा भी होते हैं। बेसिकली सर्टिफिकेट्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो कम रहता है और डिप्लोमा का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने डिप्लोमा करना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि BA ऑनर्स फिल्म स्टडीज़, BA इन फिल्म स्टडीज़, इसके अलावा बैचलर ऑफ थिएटर आर्ट्स, कोर्स इन एक्टिंग एंड कैमरा, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया AJ किदवई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। इसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा आप एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी में जा सकते हैं जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ आपको बता दूं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है मुंबई में जो ये सारे कोर्सेज करवाता है। इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु, तो ये चेन्नई में है।
तो ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, जहां आप ये सारे कोर्सेज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे अप्रोच जो आप लोगों ने रखनी है, और ये चीज दिमाग से निकाल दो कि फिल्म मेकिंग का मतलब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस बनना होता है। बहुत सारे यहाँ पे करियर एस्पेक्ट है जो कि आप कर सकते हैं। जैसे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, स्कोप बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आपके लिए अच्छा स्कोप रह सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा आज की डेट में चैनल्स वगैरह हो गए हैं, तो काम जो है काम मिलने की अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़ गई। अगर मान लीजिए बॉलीवुड में भी अगर आपको काम नहीं मिलता, तो आप जो है साउथ इंडिया की तरफ जा सकते हैं, टेलीविजन में जा सकते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है तो आपको कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और अगर बात करें सैलरी और पे स्केल की, तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात करना मूर्खता होगी, क्योंकि अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर बन जाते हैं, अच्छे एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो करोड़ों रुपए में हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना लोहा मनवाना पड़ता है, आपको अच्छा काम करके दिखाना पड़ता है, और एक बार आपको पहचान मिल जाती है तो पैसा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लोग खुद आपको पैसा देंगे आपको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए, या फिर आपको डायरेक्ट करने के लिए, या फिर आप जो भी फील्ड में जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम बनवाना है, अच्छा काम सीखना है, और अगर आप अच्छा काम सीख लेते हैं तो पैसे की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में मिल पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओपिनियन और ऑनलाइन अर्निंग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।